हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़ा कढ़ी। शुरू करते हैं शानदार रेसिपी को। हम रख लेंगे गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए। चलिए, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। उसमें डालेंगे सरसों का तेल, आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तेल को होने देना है गर्म। चलते हैं हम पकोड़े को बनाने की प्रक्रिया में। लेंगे कटोरे में बेसन, मेरा मतलब है 2 कटोरी बेसन। बेसन लेने के बाद उसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच हल्दी। फिर उसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून अजवाइन और 1/2 टेबल स्पून हींग। मैं पहले से ही मिर्ची को दरदरा पीसी थी, उसको मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ। मिर्ची का पेस्ट रहता है तो उसमें स्वाद आता है और तीखापन आता है। स्वादानुसार नमक, सॉल्ट, हैज़ पर टेस्ट। अब इसे अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी धीरे धीरे हम उसमें ऐड करेंगे। डायरेक्ट आपको पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे पानी उसमें डाल के अच्छे तरीके से आपको मिलाना है। थोड़ी देर तक मिलाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। मिलाते मिलाते कुछ इस तरीके से बैटर हमारा तैयार हो चुका है। चलिए चलते हैं कढ़ाई की तरफ। और हमारा तेल हो चुका है गर्म। छोटी छोटी हम पकौड़ियाँ उसमें डाल देंगे। जैसे कि आप कांदा भजिए के लिए डालते हैं, उसी तरीके से आपको इसको भी डालना है। डालने के बाद उसे आपको स्लो आंच में पकाना है और थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से उसे चला लेंगे। जिस प्रकार से आप भजिया को छानते हो उसी प्रकार से आपको इसको भी करना है। धीरे धीरे चलाने के बाद आपको उसे कुछ देर के लिए छोड़ देना है पकने के लिए। इसे पकने देते हैं। जिस कटोरे में हमने बैटर तैयार किया था उसी कटोरे में हम बेसन को थोड़ा ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच हल्दी डालना है। फिर डालेंगे नमक स्वादानुसार। 1 कटोरी दही डालना है। दही डालने के बाद आपको अच्छे तरीके से मिला लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते आपको धीरे धीरे उसे अच्छे तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा। हमारी सारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी है, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। मैं धीरे धीरे करके सारी पकौड़ियों को निकाल लूंगी। पकौड़ियाँ निकालने के बाद आपको कढ़ाई से तेल भी बाहर निकालना है। उसमें डालेंगे 1 चम्मच राई, थोड़ी सी डालेंगे कड़ी पत्ता, फिर डालेंगे तेज पत्ता। ये सब डालने के बाद आपको थोड़ा सा चला लेना है। हम अपना बैटर उसमें डाल देंगे जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। डालने के बाद उसे आपको अच्छे तरीके से चला लेना है। उसे धीरे धीरे अच्छे तरीके से चलाना है, नहीं तो गुल्ठियाँ भी पड़ सकती हैं। हम धीरे धीरे से चलाएंगे और जब तक उबाल ना आ जाए तब तक चलाते रहना है। चलिए, इसमें उबाल आ चुका है। उसमें डालेंगे हम पकौड़ियाँ, वो सारी पकौड़ियाँ जो हमने कुछ देर पहले छानी थी। पकौड़ियाँ डालने के बाद उसे अच्छे तरीके से चलाना है जिससे उसमें अच्छी तरीके से मिल जाए और गुल्ठियाँ नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो हमारी कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी। ऑलमोस्ट हमारी कढ़ी हो चुकी है रेडी। उसे ढक देंगे 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए, जिससे कि कढ़ी में थिकनेस आ जाए। 10 मिनट हमारा पूरा हुआ, हमारी कढ़ी हो चुकी है रेडी। देखिए 10 मिनट ढकने के बाद हमारी कढ़ी में कितना थिकनेस आ चुका है। शानदार, लाजवाब, क्या कढ़ी है। थोड़ी सी डालेंगे हम कटी हुई धनिया। फाइनली देखते ही देखते हमारी पकौड़ा कढ़ी हो चुकी है रेडी। इसे हम सर्व कर लेते हैं। वाओ, कितनी मस्त लग रही है कढ़ी। आशा करती हूँ हमारी नई रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी नई रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो कीजिए लाइक। चलिए बाय।